सो मुंजिया फिल्म के रिलीज होने से पहले ये बताया जा रहा था कि मुंजिया का स्त्री के साथ कुछ सॉलिड कनेक्शन है, पर पूरे फिल्म में मुंजिया पराई स्त्रियों के पीछे तो भागते हुए नजर आया, पर वो स्त्री नजर नहीं आई जिसके बेस पे ही ये पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। पर मेकर्स ने कहा चलो फिल्म में तो ऐसा कुछ नहीं दिखा पाए तो कम से कम इस फिल्म के इंटरवल में ही दिखा देते हैं स्त्री 2 का टीजर रिलीज करके। हालांकि ये टीजर बहुत ही छोटा था, पर इस टीजर ने इतना टीज तो कर ही दिया कि लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाएं और स्त्री 2 के लिए एक्साइटेड भी हो जाएं। वैसे मैडम फिल्म से यही कहना है कि भाई स्त्री 2 का वेट बहुत से लोग कर रहे हैं, तो इसके टीजर को ओनली थिएटर में रिलीज न करके यूट्यूब में ही रिलीज कर देते ताकि बाकियों को भी ये अच्छी क्वालिटी में देखने मिल जाए, क्योंकि ये बात तो आप लोगों को भी पता था कि कोई ना कोई तो इसे लीक कर ही देगा। खैर एनीवेज, तो कौन कौन इस फिल्म में वापस आ रहा है और किस किस की नई एंट्री हो रही है जानेंगे आज के इस वीडियो में। चैनल के वीडियोस को अगर अब तक बाहर बाहर से ही देखकर भाग जाते हो तो भाई सब्सक्राइब करके आ जाओ हवेली में और आराम से बैठ के देख लो। सो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर। वैसे आप लोगों को भी ये याद होगा कि जब स्त्री 2 का टाइटल अनाउंस किया गया था तब उसमें ये बता दिया गया था कि इस बार गांव वालों को सरकट्टा से खतरा है और वो ही गांव वालों का सर एक के बाद एक काटता जा रहा है और दहशत फैलाते जा रहा है, और टीजर को देखने के बाद वैसा ही फील भी होता है। वैसे इस टीजर की शुरुआत द लीजेंड इज बैक के टेक्स्ट के साथ होता है। अब यहाँ लीजेंड किसे बोला जा रहा है, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी या राजकुमार राव को, ये तो पता नहीं चल रहा है और न ही चलेगा, क्योंकि भाई स्त्री फिल्म में हर किसी कैरेक्टर की अपनी एक अलग पहचान थी, तो यहाँ लेजेंड तो सबको कहा जा सकता है। पर एक्चुअली इस पुरानी टीम को देखकर भाई मजा ही आ गया। नेक्स्ट सीन में हमें किसी के दो पैर नजर आते हैं। अब ये खुद फ्लाई कर रहा है या इसे कोई उड़ता सरकट्टा खींच कर लेके जा रहा है या इवन कोई चुड़ैल अपनी चोटी से बांध कर खींच रही है ये तो नहीं पता, पर जो भी हो उसकी दहशत के गिरफ्त में फिलहाल पूरा गाँव है और इसी डर को दूर करने के लिए शायद विक्की और उसकी टीम रुद्र के साथ किसी खंडहर में घुसते हुए नजर आ रहे हैं और अंदर जाकर किसी लेडी के स्टैचू के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं जो मे बी स्त्री का ही हो सकता है जिसका प्रॉमिस लास्ट टाइम किया गया था। अब इसका मतलब यही हो सकता है कि वो लोग सरकट्टा के आतंक को खत्म करने के लिए स्त्री की मदद मांग रहे हैं। इसी बीच हमें श्रद्धा कपूर भी नजर आती है बिल्कुल उसी अवतार में जैसे हमने स्त्री 1 में देखा था, और इवन विक्की भी उसी अंदाज में ही उस पे लट्टू है। पर एक चीज यहाँ बदला हुआ नजर आया, वो ये कि पहले दीवार में ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ रहता था, पर अब यहाँ लिखा हुआ है ओ स्त्री करना। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि श्रद्धा कपूर अब इस गांव में दहशत नहीं फैलाती बल्कि वो इस गांव की सेवियर बन चुकी है। अब वो किसी सरकट्टा या चुड़ैल से लड़ने के लिए गांव वालों का साथ देती है। वैसे इस लाइन को एक आदमी मिटाता हुआ भी नजर आ रहा है जो इस ओर इशारा करता है कि भाई अब यहां दो लोगों का नहीं बल्कि दो गुटों की लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक शायद सरकट्टा ग्रुप के सपोर्ट में है तो दूसरा उसके अपोज में। आगे हमें पंकज त्रिपाठी नजर आते हैं जो ऐसा लग रहा है मानो वो तंत्र मंत्र से आगे बढ़कर अब डिटेक्टिव भी करने लग गए हैं, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि रुद्र किसी किताब के पन्ने को देख रहा है जिसमें विक्रम वेताल के कैरेक्टर की तरह एक कैरेक्टर भी हमें नजर आ रहा है जिसमें वो राजा एक का सर काटकर हाथ में रखा हुआ है। वैसे हम भी बचपन से सरकट्टा की काफी अलग अलग कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, पर हर बार कहानी अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस फिल्म में सरकट्टे की बैक स्टोरी क्या है। इसके बाद हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन भी नजर आता है जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप किसी सर्कल के अंदर है और वो सारे या तो हिप्नोटाइज हुए हैं या तो सबके अंदर आत्मा आ चुकी है क्योंकि सबके सब यहाँ स्टोन्ड हो चुके हैं और सबकी आंखें भयानक भी हो चुकी है। और इसी बीच एक नई कैरेक्टर भी हमें नजर आती है तमन्ना भाटिया के रूप में जो फिलहाल आइटम सॉन्ग कर रही है, और जैसे कि इस यूनिवर्स का हमेशा से रिवाज रहता है कि जो भी आइटम सॉन्ग करता है वो लीड बनकर नेक्स्ट फिल्म में आ जाती है, तो क्या पता तमन्ना भाटिया भी किसी डेडिकेटेड फिल्म में चुड़ैल बनकर अपीयर हो जाए, या मे बी ऐसा हो सकता है कि इस फिल्म में वो कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हो। तो ओवरऑल ये छोटा सा टीजर भी ये फील तो करवा ही देता है कि भाई ये फिल्म तो बहुत ही मजेदार होने वाली है, और भूत प्रेत और कॉमेडी वाली इस फिल्म का इंतजार तो बहुत से लोगों को है। और जैसा कि मैंने बताया कि अब ये यूनिवर्स भी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाते जा रहा है तो डेफिनेटली उसका फायदा तो इसे मिलेगा ही, जैसे इन दिनों मुंजिया फिल्म को मिल रहा है। वैसे मुझे लगता है कि इनके मेकर्स को अब थोड़ा एक्स्ट्रा मार्केटिंग करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर मुंजिया के केस में देखें तो मुंजिया बिना किसी
मार्केटिंग के भी अच्छी खासी कमाई कर ली है और अपने बजट को क्रॉस करके अब वो प्रॉफिट के कैटेगरी में भी आ चुकी है। और ये तो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है। इसके बाद OTT और सैटेलाइट राइट्स भी बचे हैं जिसकी वैल्यू इस अच्छे कलेक्शन के बाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सो ओवरऑल अब तक ये यूनिवर्स अपने कॉन्टेंट के दम पर ही लोगों को अपना फैन बनाते हुए आई है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि स्त्री 2 भी अपने कॉन्टेंट के दम पर ही लोगों को इंटरटेन करे, न कि केवल स्त्री फ्रेंचाइजी के नाम पे। वैसे अगर आपने भी बचपन में किसी सरकट्टे की कहानी सुनी है तो उसे हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।